हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 20.1 की, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो से पहले मैं एक्सरसाइज 20.1 के ऑलरेडी चार पार्ट बना चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक को सॉल्व किया है। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहां पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। देखिए, आपको वैल्यू गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो आप यहां पर लिख लेंगे, आपके पास कोन है ओके, और उसका एरिया आपको गिवन है, कितना है बच्चों, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर ओके। स्लेंट हाइट का वैल्यू भी गिवन है, कितना है, इस एल का वैल्यू आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर ओके। एल का वैल्यू आपको गिवन है, यहां पर लिख लेते हैं 14 सेंटीमीटर ओके। इसके बाद आपसे पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, तो आपको यहां पर आर का वैल्यू फाइंड करना है, इसके बाद एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तो आपको टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करना है इस कोन का। तो देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको मालूम है, कितना होता है बच्चों, पाई आर एल ओके। और बच्चों, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि बेस का आपका जो एरिया होता है वो आपको लेना होता है ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर ओके। इसका सिंपल सा मतलब है पाई आर स्क्वायर और ये आपका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ठीक है, दैट मीन्स पाई आर एल ओके। तो टोटल सरफेस एरिया आपका होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस जो आपका बेस का एरिया है ठीक है, जो आपका सर्कल है ठीक है, उसी को हमने यहाँ पर लिखा है। तो बच्चों, सबसे पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि जो भी चीजें आपको गिविन होती हैं उनको आप यहाँ पर लिख लें, जिससे कि आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको फाइंड करना है रेडियस ठीक है, जैसे ही आपको रेडियस मिल जाती है उसके बाद ही आप निकाल पाएंगे टोटल सरफेस एरिया ठीक है। एल का वैल्यू आपको गिवन है लेकिन आर का वैल्यू आपको फाइंड करना है ठीक है। तो आर का वैल्यू आप यहां से फाइंड कर लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया की हेल्प से ठीक है। तो चलिए हम यहां पर लिख लेते हैं 308 ओके। तो वैल्यूज यहां पर आप पुट कर देंगे, एल का वैल्यू और पाई का वैल्यू ठीक है, जिससे कि आपका आर का वैल्यू यहां पर निकल जाएगा 22/7 इंटू आर इंटू एल। एल का वैल्यू आपको मालूम है 14 सेंटीमीटर ओके, ये आपको गिवन है इज इक्वल टू 308। देखिए, ये 14 आपका 7 से जाएगा ठीक है, 2 पर जाएगा ओके। अब देखिए, इस 2 से आप यहां पर इसको कैंसिल कर सकते हैं, कितने पर जाएगा 154 ओके। अब देखिए, 2 पर फिर से जा सकता है, ये आपका 11 हो जाएगा ठीक है, और ये कितना होगा बच्चों 7 ठीक है, ये 14 हो जाएगा तो यहाँ पर ये 7 आ जाएगा ठीक है। अब देखिए, 11 से आपका 77 यहाँ पर देखिए 7 पर जाएगा। तो बच्चों, आर का वैल्यू आपने निकाल लिया है 7 सेंटीमीटर ओके। और जैसे ही आपके पास आर का वैल्यू आ जाता है ठीक है, यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया है, तो सिंपली आर का वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करना है टोटल सरफेस एरिया के अंदर ठीक है ओके। अब देखिए, पाई आर एल एग्जैक्टली क्या है, आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है ठीक है, तो आप एग्जैक्टली यही वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे ओके। तो चलिए यहां पर हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं, 308 प्लस पाई आर स्क्वायर ओके। आर का वैल्यू आपको मालूम है 7 सेंटीमीटर, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 22/7 इंटू 7 इंटू 7 ओके। तो ये 7 से आपका एक 7 कैंसल आउट हो जाएगा ठीक है। तो 308 प्लस ये कितना होगा बच्चों, मल्टीप्लाई कर लीजिए 154
ओके अब इसको आप ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके क्योंकि ये आपका टोटल सरफेस एरिया है। ओके एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। बच्चों आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी का है, ठीक है। आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि आर डी शर्मा के अंदर आपके ऑलमोस्ट आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का है और कौन सा नहीं। बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। द स्लेंट हाइट एंड बेस ऑफ अ कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कार्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए आपको एक कॉनिकल टॉम्ब गिवन है, ठीक है। दिस इज योर टॉम्ब इन द शेप ऑफ कोन। ओके स्लेंट हाइट का वैल्यू गिवन है और बेस का वैल्यू गिवन है, तो आप यहां पर लिख लेंगे। देखिए वैल्यू है आपका 25 मीटर स्लेंट हाइट का। ओके एल का वैल्यू आपको गिवन है 25 मीटर। इसके बाद बेस का वैल्यू आपको गिवन है। अब देखिए बेस का क्या मतलब है, डायमीटर। ओके यही तो आपका टोटल बेस होगा, है ना। आपको एग्जैक्टली यहां पर ये नहीं बोला गया है कि रेडियस का वैल्यू इतना है या फिर आपका डायमीटर का वैल्यू, ठीक है। आपको यहां पर बोल दिया गया है बेस, तो बेस का सिंपल सा मतलब है डायमीटर। तो आप यहां पर लिख देंगे डायमीटर का वैल्यू है 14 मीटर। ओके तो आप यहां पर निकाल लेंगे रेडियस, दैट मींस 14/2। ओके तो ये हो जाएगा आपका 7 मीटर। इसके बाद आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो आपको ये जो कर्ड सरफेस एरिया है, ठीक है, स्टॉर्म का जो कर्ड सरफेस एरिया है इसको व्हाइट वॉश करने का आपको कॉस्ट निकालना है, ठीक है। रेट आपको गिवन है, ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर का रेट है 210। तो बच्चों अगर आपको कर्ड सरफेस एरिया मालूम चल जाए तो आप बहुत आसानी से इसका कॉस्ट निकाल पाएंगे व्हाइट वॉश का, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कर्ड सरफेस एरिया। ओके कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टॉम्ब, ओके कितना होता है बच्चों, पाई आर एल, ठीक है। तो वैल्यूज को पुट कर देंगे, एल का वैल्यू आपको मालूम है, आर का वैल्यू आपने निकाल लिया, ठीक है। 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू 7 इंटू एल, दैट इज 25। ओके तो 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आएगा बच्चों यहां पर, 22 इंटू 25 दैट इज 550, ओके मीटर स्क्वायर। ओके क्योंकि ये आपका कार्ड सरफेस एरिया है। ओके तो कार्ड सरफेस एरिया का वैल्यू आपके पास आ चुका है 550 मीटर स्क्वायर। इसके बाद आपको क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। देखो आपको यहां पर रेट गिवन है, ओके रेट कितना है, तो यहां पर आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग हंड्रेड मीटर स्क्वायर। ओके ये आपको रेट गिवन है कि 100 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो अगर व्हाइट वॉश करते हैं तो कितना आपको खर्चा होगा, ठीक है, कितना होगा, ₹210, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि अगर इतना एरिया हो, ठीक है, टोटल एरिया आपका कार्ड सरफेस एरिया है 550, तो इसका कितना खर्चा होगा, ठीक है। तो सिंपली आप यहां पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 550 मीटर स्क्वायर। ओके तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आप क्या करोगे, 210 इंटू जो आपका टोटल कर्ड सरफेस एरिया है उससे आप यहां पर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ओके और आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ओके अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखिए इस तरीके से आप यहां पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली आपको मल्टीप्लाई क्या करना है, 21 इंटू 55। ओके आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे
कितना आ जाएगा बच्चों, जल्दी से बताइए, 1155। ओके, ये आपका कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है, एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो बच्चों हमने क्या किया, जो भी आपको गिवन था उसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया, उसके बाद कार्ड सरफेस एरिया फाइंड कर लिया, उसके बाद आपको कॉस्ट गिवन है, ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 210 रुपीस। ओके, अब देखिए आपको निकालना था 550 मीटर स्क्वायर का। ओके, तो सिंपली आपको क्या करना है, 210 रुपए से आपको सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, और 100 मीटर स्क्वायर का पूछा था तो इससे डिवाइड कर देंगे। ओके, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।